स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ विकांशी शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पार्टिकल से शेप एंड स्पेसिफिक सर्फेस एरिया विच कम्स अंडर द यूनिट 4 दैट इज माइक्रोमैग्नेटिक्स और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2. तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टिकल शेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी स्टडी द पार्टिकल शेप? पार्टिकल शेप हम क्यों पढ़ते हैं? पार्टिकल शेप हमें इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि जो हमारी पार्टिकल की शेप है वो किस तरीके से आपके पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेगी या किस तरीके से उसकी पैकेजिंग को वो अफेक्ट कर सकती है. जब भी हम किसी पार्टिकल शेप की बात करते हैं तो उसकी वजह से किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर क्लोज पैकेजिंग होगी पार्टिकल्स की या फिर लूज पैकिंग होगी. पोरोसिटी कम होगी, पोरोसिटी ज़्यादा होगी. वॉइड वॉल्यूम कम होगा, वॉइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा. या फिर उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, वो टैंगल करेंगे एक दूसरे के साथ में या फिर फ्री फ्लोइंग होंगे. ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं पार्टिकल की शेप के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पार्टिकल शेप, कि पार्टिकल शेप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स एज्यूम कि जो आपका पार्टिकल है इट इज़ अ स्फेरिकल पार्टिकल. तो व्हेन इट कम्स टू स्फेरिकल पार्टिकल, वी नो दैट उसका सरफेस एरिया होता है 4πr². व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू डायमीटर इट विल बिकम इन दिस द डी रिप्रेजेंट्स द सरफेस डायमीटर. डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस डायमीटर. ये तब की बात होती है जब हमें पता हो कि हमारा जो पार्टिकल है वो स्फेरिकल शेप का है. लेकिन जब भी हम किसी भी पार्टिकल का प्रोजेक्टेड डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, प्रोजेक्टेड डायमीटर से हम उसका सरफेस एरिया निकालने लगे, इन दैट केस इट विल बिकम अल्फा एस डी पी स्क्वायर. इन दिस द अल्फा एस रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया फैक्टर एंड पी रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्टेड डायमीटर. जो आपका सरफेस एरिया फैक्टर है ये एक फैक्टर होता है जिसे कैलकुलेट किया जाता है बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ द टू डायमीटर्स. अगर हम इन दोनों डायमीटर्स का रेशियो कैलकुलेट करें तो वहाँ से हमें सरफेस एरिया फैक्टर मिल सकता है. तो ये आपकी वैल्यूज हैं. हमें पता है सरफेस एरिया ये भी है और सरफेस एरिया ये भी है. इन दैट केस वी विल टेक दैम एज इक्वल वैल्यूज. From here we can calculate that alpha s is equals to this value. ये था आपका जब आपकी बात की जाए सरफेस डायमीटर की. सरफेस डायमीटर आप कैसे निकाल सकते हैं और सरफेस एरिया किसी पार्टिकल का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है वॉल्यूम. हम एज्यूम करते हैं हम ये कि जो आपका पार्टिकल है उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है, जो कि होता भी है. लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि किसी भी पार्टिकल का वॉल्यूम फिक्स हो सकता है लेकिन उसकी शेप चेंज होने से उसके सरफेस एरिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. सेम वॉल्यूम मे हैव डिफरेंट सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू द शेप. आपका ये पार्टिकल भी सेम वॉल्यूम का है और इस पार्टिकल का वॉल्यूम भी सेम है, बट इन बोथ केसेस द सरफेस एरिया इज डिफरेंट. तो जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप डिसाइड करती है कि उनका सरफेस एरिया कैसा होगा. तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा हमें सरफेस एरिया को, लेट्स गो फॉर दैट. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4π³. In case of diameter, it will be made note down as this. So this will be the new calculated volume of that particular sphere, जो हमने calculate किया है in the form of diameter. Here, D represents the volume diameter. Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इसके प्रोजेक्टेड डायमीटर से कैलकुलेटेड वॉल्यूम की, जो प्रोजेक्टेड डायमीटर से इसका वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आएगा वो आपका दूसरे तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे सरफेस एरिया का कैलकुलेट हुआ था. हियर वी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम फैक्टर दैट मीन्स इक्विवेलेंट वॉल्यूम फैक्टर एंड पी रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्टेड डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर. तो ये दोनों चीज़ें आपकी रिप्रेजेंट करती हैं वॉल्यूम को. नाउ पुट दीज वैल्यूज एज इक्वल वैल्यूज व्हेन वी विल गो फॉर दीज वैल्यूज. हियर फ्रॉम दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम फैक्टर.
So this is the surface area factor and this is the calculated volume factor. We have both values. जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, तब आप इन दोनों वैल्यूज से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पार्टिकल कितना सिमेट्रिकल और कितना एसिमेट्रिकल है. हाउ? बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ सरफेस डायमीटर फैक्टर एंड वॉल्यूम फैक्टर. जब आप इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो इन दोनों के रेशियो से आपको वैल्यू मिलेगी एल्फा एस अपॉन एल्फा वी, दैट इज So now the values which are remaining are okay. So when a particle is spherical, in that case the surface diameter, the projected diameter and the volume diameter, all of them will have the equal values. So the only value remaining is the 6. So in case alpha s upon alpha v is equals to 6, that is the particle is spherical in shape. While if the value is more than 6, then it represents कि जो आपका particle है वो एक asymmetrical particle है, और value जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उसके हिसाब से particle की asymmetry भी increase होती चली जाएगी. तो ये था आपका सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका, कि जो आपका सरफेस एरिया, जो आपका पार्टिकल का शेप है वो पता करने का तरीका, कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम से आप बता सकते हैं कि पार्टिकल सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल है तो कितना एसिमेट्रिकल है. नाउ कम टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया. जब बात की जाए आपके स्पेसिफिक सरफेस एरिया की, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल जिनके वॉल्यूम सेम हो वो कितना सरफेस एरिया कैरी कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दो पार्टिकल्स दूँ जिसमें एक पार्टिकल का, वी हैव टू पार्टिकल्स, यू कैन ईजिली से दैट दिस पार्टिकल इज हैविंग लेसर सरफेस एरिया एंड दिस वन इज हैविंग मोर सरफेस एरिया. ठीक है, यू कैन ईजिली रिप्रेजेंट दैट. But in case when it comes to specific surface area denotes that कि दोनों particles का volume same हो, then you will compare their surface area and it is known as the specific surface area. यानी कि दोनों particles का जब हम volume same करेंगे तो क्या होगा, from this you can easily say that the particles when they are having the same volume, then in this case the particles which comes under B are having more surface area as compared to particle A, because they are having lesser particle size. तो यहाँ से हमें पता चला कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इस पर्टिकुलर पार्टिकल का क्या है. तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम. तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया विद वॉल्यूम. राइट नाउ वी हैव स्टडीड दैट कि सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है. सो वी विल रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एरिया फैक्टर एंड वॉल्यूम फैक्टर, एंड एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. व्हेन वी कैंसिल आउट दीज वैल्यूज, द ओनली वैल्यूज विच विल बी रिमेनिंग आर, सो दीज आर द रिमेनिंग वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक सरफेस एरिया. सिमिलरली ये बात तब थी जब हम बात कर रहे थे पर यूनिट वॉल्यूम की. सिमिलरली आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हो सरफेस एरिया पर यूनिट वेट के अकॉर्डिंग, कि पर यूनिट वेट से आपका सरफेस एरिया कितना है. सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज व्हेन वी रिप्रेजेंट द वेट इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, देन इट विल बी लाइक density is equals to mass per unit volume. So mass is equals to density into volume. Got it? So we will write it here as surface area upon density into volume. Now from here we are going to put the value of volume.
So this is the new value. Similarly, surface area will be represented as six d into density. तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको सरफेस एरिया पर यूनिट वेट मेजर करना हो. तो अगर पार्टिकल स्फेरिकल है देन दिस इज द सरफेस एरिया पर यूनिट वेट. सिमिलरली द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज को. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक्स. थैंक यू.